Okay, now after draping my front yoke, I am about to drape my back. तो back के लिए भी जिस तरह पीस कट किया था वैसे ही आपने कट करना है. और back के लिए पता है मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो कह रहा हूँ मयरमेंट होती है 12 होती है ऑलमोस्ट, तो मैं 12 तक बस से ऊपर मयर करती हूँ. ये मैंने 12 तक मयर किया और मैं अब इस 12 के ऊपर रखूँगी अपना ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये मैंने ग्रे लाइन मार्क की है, इसको अपने कैरो पॉइंट पे रख लें लाइन पे. ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी जैसे मैंने पहले किया था, बिल्कुल सीधा अपनी सेंटर बैक की नेक लाइन ले ली. और यहाँ से मैं देखें जैसे योग पे आ रही हूँ वहाँ तक ही पिन करूँगी. ठीक है, अब मैं जैसे फ्रंट के लिए किया था वैसे मैं बैक के लिए भी करूँगी. मुझे अपनी इस साइड को स्टे रखना है कि गिरे ना, तो इसलिए मैं यही करूँगी, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ूँगी. ये देखें इस तरह से. ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एक पिन. ठीक है, ये मैंने बस स्टे करने के लिए लगा लिया है. अब जैसे फ्रंट के लिए किया था वैसे ही स्लिप करें, फ्लैट करें. शोल्डर पॉइंट पे देखिए इसको पिन कर लिया. ठीक है, ये देखा, ये मैं शोल्डर पॉइंट पे पिन हो चुका. इसके बाद मैं उसी तरह करूँगी जैसे मैंने फ्रंट के लिए किया था. मैं अपना जो किमोनो का पॉइंट है और अपनी ई स्लीव है, मेरा काम है अब उनको दोबारा से इसके ऊपर लेके आना. तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से पिन करना. जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, और जैसे आगे आगे पिन करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगी, मैं अपनी ई स्प्लिट को पकड़ूँगी. जैसे आपको पता है स्टेज मैंने पिन्स लगा ली हुई थी होल्ड करने के लिए, अब मेरी यहाँ पे जितनी ईज आ रही है ना मैं उसको पकड़ूँगी. ठीक है, देखें मैंने अपनी पूरी ईज पिंच कर ली है. देखें फ्रंट नीचे वाले पैनल की ईज के साथ. और मैं इसको ऑल द वे ऊपर ले जाऊंगी. ज़्यादा पिन कर लिया, तो इसको मैं ज़रा स्मूथ करती हूँ, ईज आउट कर रही हूँ थोड़ी. ये बनाने के बाद आप अपने किमोनो पॉइंट पे जाएं और उसको भी पिन कर लें. ठीक है, अब मैं इसकी मेजरमेंट्स ले लूँगी. शोल्डर पॉइंट की मैं ये नहीं करूँगी इस वाले.
स्पीड को मेंटेन रखते हुए अपने शोल्डर पॉइंट को भी मेजरमेंट कर लूँगी, क्योंकि शोल्डर लाइन आ रही है। और उसके बाद डिज़ाइन लाइन, जैसे इसका मेथड था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और इसे अपने किमोनो पॉइंट तक मार्क कर लें, ठीक है। अब इसे मैं भी फ्लैट में लेके जाऊंगी और इसकी ड्राइंग करूंगी।